हे गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो घंटा लगा है वो घंटा भी बजा दें, क्योंकि घंटा बजाने से आपको डेली अपडेट मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज चिराग बलोच और अभी हम मौजूद है अपने होमलैंड पसनी बलूचिस्तान में। मेरे साथ हैं डीके बलोच और हमने प्लान किया है आज जाएंगे यहाँ पे। वेट करो, प्लान से पहले भाई की शादी हुई है। जर्रे जा रहे पिकनिक मनाने, मतलब मैंने शादी किया हुआ है, पहले मुबारकबाद दो मुझे, कमेंट में अपना मुबारकबाद लिखो। तो हमने प्लान किया हुआ है जर्रेन में, तकरीबन हम 30 लड़के हैं, तो वहाँ पे जाके आप लोगों को दिखाएंगे, देखते रहिए। पिकनिक जाने से पहले हम गुलबाग आना जरूरी, क्योंकि बहुत गर्मी है। तो क्या तेरा लूंगा जल्दी फटाफट। हे गाइस, बस अभी हम निकले हैं और हमारे साथ हैं अबू बकर शाह, आदम बलोच, डीके बलोच और दो गाड़ी आगे हैं और एक गाड़ी पीछे। तकरीबन हम 30 लोग हैं, तो यहाँ से हम निकले हैं जर्रीन के लिए, देखते रहिए। गाइज, अभी अभी हम पहुंचे हैं और जर्रेन हम बोलते हैं इस पहाड़ को, ये जो पूरा पहाड़ है इसको हम बोलते हैं जर्रेन। और बाकी ये जो पीछे का जो पहाड़ है आप लोग देख रहे हैं, इस तरफ जो रमीज कड़ा है इसको बोलते हैं हम जुड्डी। हे गाइस, अभी हम आए यहाँ पे जर्रेन के पीछे, यहाँ पे ये है बीच, बहुत खूबसूरत है। और एक चीज़ बताऊँ, पसनी मशहूर है सैंड आर्ट के लिए, और सैंड आर्ट आप लोग जानते हैं जो रेत से आर्ट बनाते हैं, और एक चीज़ है 3D आर्ट, तो मतलब 3D आर्ट भी यहाँ पे बनाए थे। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अभी तक किसी ने 3D आर्ट नहीं बनाया, वो भी रेत से, मतलब सैंड आर्ट से 3D आर्ट बनाना, ये पसनी की टीम ने बनाया। तो यहाँ पे हम आएंगे, अभी आरएफ को दिखाएंगे, ये आरएफ ने एक बनाया हुआ है 3D आर्ट, ये 3D है, पता नहीं 3D नहीं है, एक टेस्टिंग है, एक 60 है, 60 ये 60 आर्ट है, लेकिन रियल 3D आर्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग देखें इस वीडियो में। पसनी को अदब लिटरेचर की लखनऊ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बंदे पैदा हुए हैं जो शायरी की राह में देखो या के आर्टिस्ट हो, ये यहाँ की सर आबो हवा है या नेचर, तुम कह सकते हो कि यहाँ के बंदे टैलेंटेड होते हैं। यहाँ पर एक अरसे से लिटरेचर या अदबी कोई भी सरगर्मी नहीं हो रहा था, तो हम लोग दोस्तों ने बैठकर ये फैसला किया कि क्यों ना हम फिर से इस काम का आगाज़ करें और अच्छी शक्ल में इसको आगे ले जाएं। तो हम लोगों ने इकट्ठे हुए और मुख्तलिफ शोबों पर काम कर रहे हैं। ये आर्ट की एक जदीद सा शक्ल है जिसको हम समंदर की मिट्टी से आर्ट बनाते हैं, उसको हम नाम दिया सैंड आर्ट। बलूची में भी हम इसको कहते हैं रिक्साच, जिसका नाम दिया है रिक्साच के नाम से, फेमस है, मशहूर है हमारे इलाके में। जिस तरह के ओ आर्टें होते हैं तो बहुत सिंपल होते हैं, उन पर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ एक बंदा एक आर्ट बना सकता है, स्केच हो या कि वाटर कलर हो या ऑयल कलर हो। मगर सैंड आर्ट के लिए ये ज़रूरी है कि इसके लिए चार बंदे हों या तीन बंदे हों, और इस पर
तीन या चार घंटे लगते हैं एक आर्ट मुकम्मल करने के लिए। सैंड आर्ट का तो एक आर्ट है, एक फ़न है। उस आर्ट में, उस फ़न में हम मुख्तलिफ पैगाम मतलब रखते हैं, अमन के हवाले से हो कि अभी 4 साल हो रहे हैं हम सैंड आर्ट बना रहे हैं, और हमें देखकर आजकल सर नौजवानों में जो कि स्टूडेंट्स हैं वो भी सैंड आर्ट की तरफ आ रहे हैं। ये वाहिद इलाका है बगैर किसी इंस्ट्रक्टर के, बगैर किसी उस्ताद के, बगैर किसी तावन के, लोग अपनी शौक और अपनी मेहनत की वजह से सैंड आर्ट को न सिर्फ फ़रोग दे रहे हैं बल्कि सैंड आर्ट के थ्रू न सिर्फ मुल्क को बल्कि दुनिया को अच्छे पैगाम दे रहे हैं। जो भी सैंड आर्ट हम बनाते हैं उसके साथ एक मोटो होता है, एक मैसेज होता है। जो हमारे इलाके में सर स्टॉल आए हाईलैंड है, वहाँ पर ग्रीन टर्टल की एक नसल कुशी की जेनोसाइडिंग हो रहा है, तो हमने ये सैंड आर्ट बनाया, ये मैसेज दिए कि हमें ग्रीन टर्टल सेव करनी है। पूरी दुनिया को ये बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, कोस्टल बेल्ट के लोग हैं, वो भी किसी से कम नहीं हैं। वो काम करते हैं जो शायद मुश्किल है, क्योंकि सैंड आर्ट बनाना कोई आम आर्ट नहीं होता है। सैंड आर्ट में आपकी एक छोटी सी गलती आपकी 3 घंटे की मेहनत बात के मैंने बहुत टाइम से स्लो मोशन भी नहीं बनाया, और इस ब्लॉग में भी स्लो मोशन होगा। पिकनिक का पूरा सेटिंग है रेडी, यहाँ पे जनरेटर चल रहा है और यहाँ पे पूरे खाने का सेटिंग और यहाँ पे लाइट वगैरह सारा रेडी है, बस अभी खाने बनने की तैयारियाँ, देखते रहिए। ओके वीडियो आकाश ओके चाप 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 रेड 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 चैनल आउट ऑफ 10। हे गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो घंटा लगा है वो घंटा भी बजा दें, क्योंकि घंटा बजाने से आपको डेली अपडेट मिलेगा।